हेलो एवरीवन फिर से स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में प्रीवियस वीडियोस में हमने टाउन प्लानिंग असिस्टेंट टाउन प्लानिंग इस एग्जाम के लिए लेक्चर स्टार्ट किया था तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग टाउन प्लानिंग की ज़रूरत एज एन इंजीनियर यू शुड नो कि इसकी ज़रूरत क्यों है ठीक है छोटा सा एक बीट है ये हम देखते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट है अगर ये ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है इफ यू आर डिजाइनिंग अ टाउन विदाउट प्रॉपर प्लानिंग तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो लिस्ट आउट करना है हमको और हो सकता है उस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में जैसे कि बिकॉज ये पूरा जो सब्जेक्ट है थेटिकल सब्जेक्ट है कोड से रिलेटेड लैंग्वेज रहने वाली है एग्जाम में भी आपके क्वेश्चन में भी ठीक है तो क्या बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग क्या है गुड प्लानिंग प्रोटेक्ट कोस्टलाइंस एंड हिस्टोरिक बिल्डिंग्स रीजनरेट्स डिक्लाइनिंग प्लेसेस एंड क्रिएट्स न्यू एन्वायरमेंट्स अगर हम अच्छी प्लानिंग करते हैं तो कोस्ट लाइन्स वगैरह होता क्या है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी कोस्ट लाइन है तो यहाँ पर भी डेवलपमेंट लोग करने के चांसेस है बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं तो वो क्या होगा ये कोड की लैंग्वेज है ठीक है कि अगर प्रोपर प्लानिंग आप लोग करते हैं तो वॉट विल बी प्रोटेक्टेड कोस्ट लाइन्स विल ऑल्सो भी प्रोटेक्टेड हिस्टोरिक कुछ मॉन्यूमेंट्स है कुछ बिल्डिंग्स है अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई तो उसका भी प्रिजर्वेशन नहीं होगा इसलिए प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है इसके अलावा ये एक न्यू एनवायरनमेंट भी क्रिएट करता है और जो डिक्लाइनिंग प्लेसेस है जो अवॉइड किए जा रहे हैं उसको भी रीजनरेट मतलब जहाँ जिस प्लेसेस का यूज़ अभी नहीं हो रहा है दे आर गेटिंग वेस्ट जो डिक्लाइन किए जा रहा है ऐसे भी प्लेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग के जरिए देन इट प्रिजर्व द बेस्ट ऑफ द पास्ट एंड प्रमोट्स इनोवेशन सो दैट द टाउन एंड बिल्डिंग्स ऑफ द फ्यूचर विल कंटिन्यू टू मीट आर नीड्स मैं स्टार्टिंग के वीडियो से बोलता जा रहा हूँ कि डेवलपमेंट ये जो फेज हैिंग टर्म है इट इज मेनली फोकसिंग ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या पास्ट जो हो गया प्रेजेंट जो है और फ्यूचर तीन चीजों में हम काम करने वाले हैं फ्यूचर हमारा ऐसा होना चाहिए या हमारा एक सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ अगर आप फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट डे में यहाँ पर कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सक कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में चल के आपको प्रॉब्लम देने वाला है सो दैट विल नॉट बी कॉल्ड एज टाउन प्लानिंग ए गुड टाउन प्लानिंग तो हमारा प्लानिंग और जो हमारा टाउन प्लानिंग है स्पेशली वो ऐसा होना चाहिए कि इट शुड नॉट अफेक्ट द फ्यूचर फ्यूचर के कोई बिल्डिंग्स है जो भी नीड्स है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए तो ऐसा हमको फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी देखना है इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमको सोचना है कुछ इनोवेशन करना है इट शुड इनोवेट इट शुड प्रमोट द इनोवेशन देन ऑफ ऑफ द द एंड बिल्डिंग्स द फ्यूचर विल ऑल्सो फुलफिल द प्रेजेंट नीड्स एज वेल एज द फ्यूचर नीड्स हमको प्रेजेंट नीड के बारे में भी सोचना है और फ्यूचर अगर एक्सपांशन होता है तो उसके लिए भी हमको अभी से टाउन प्लानिंग में कंसिडरेशन करना है ठीक है

जो प्रॉपर प्लान नहीं किए गए होते हैं तो वहां पर रोड्स जो होते हैं वो बहुत नैरो होते हैं जो स्ट्रीट्स बारीक बारीक गली होती है जो छोटी छोटी लेंस होती है वो बहुत नैरो होती है कुछ फिर रोड पर साइड पार्किंग लोग कर देते हैं बहुत सारी जगह पे कार पार्किंग का इशू आता है कार्स कुछ कुछ गली से पास भी नहीं होते हैं तो ये सारे जो इशू आएंगे अगर कब आएंगे जब आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते हैं एक पर्टिकुलर टाउन का सो यू शुड यू मस्ट एक्चुअली मस्ट कंसिडर ऑल द फैक्टर्स प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर पार्किंग के लिए फैसिलिटी रोड जो है वह अच्छे बड़े होने चाहिए सो द ट्रैफिक दैट विल और दैट इज गोइंग टू बी फ्लोइंग ओवर दैट रोड ऑल दिस पॉइंट शुड बी कंसिडर्ड तो पहला क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर डिफेक्टिव रोड सिस्टम रिजल्ट हो सकता है इसका एक पहला रिजल्ट देन डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स अब डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट मतलब क्या बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई है पर्टिकुलर एरिया को आपने इंडस्ट्रियल नहीं दे दिया पर्टिकुलर एरिया को रेजिडेंशियल नहीं दे दिया तो होता क्या है देर आर चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स जो uh, कोई पर्टिकुलर एरिया आप छोड़ देते हो तो वहां पर लोग क्या बसना शुरू हो जाते हैं एंड इट विल जनरेट और इट विल डेवलप द स्लम्स इन दो एरियाज देन Of ऐसे जगह पर जहाँ पर खतरा हो मतलब रेसिडेंशियल के बहुत करीब अगर आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश करने वाले हो तो इस पर भी टाउन प्लानिंग का इम्पैक्ट हो सकता है सो टाउन प्लानिंग शुड बी डन सच दैट कि जो इंडस्ट्रीज है उसको भी एक सेपरेट पार्ट आप दे दे रहे हो एक सेपरेट एरिया दे दे रहे हो एस्टैब्लिश कर रहे हो एक जोन दे दे रहे हो और उसमें ही आप इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हो वरना अगर आप प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं करोगे तो इंडस्ट्रीज भी क्या होंगे रेजिडेंशियल जोन में भी इंडस्ट्रीज आने के चांसेस है उधर भी देन हेवी ट्रैफिक कंजेशन ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द डे जैसे कि मैंने बताया अगर प्रॉपर रोड सिस्टम रोड सिस्टम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ टाउन प्लानिंग ओके सो अगर आप प्रॉपर टाउन प्लानिंग नहीं करते हैं तो हेवी ट्रैफिक जनरेट होने के चांसेस है बहुत ज्यादा कंजेशन होगा रोड्स पर तो ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है तो ये इतना इंपॉर्टेंस है और भी क्या है देखते हैं हम लोग इन एडिकुट ओपन स्पेसेस फॉर पार्क प्ले ग्राउंड रिजल्टिंग इन अनहेल्दी लिविंग कंडीशन और अगर हम टाउन प्लानिंग को कंसिडर नहीं करते तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि ओपन स्पेसेस को भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ एरिया हमको दे देना है एज पर द कोड तो वो एडिक्यूट ओपन स्पेसेस कितने होने चाहिए पार्कस के लिए प्ले ग्राउंड के लिए कितना होना चाहिए ये भी आपके माइंड में कंसिडरेशन होना चाहिए सो दैट इट विल ऑल्सो फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्रिएशनल इम्यूनिटीज एक रिक्रिएशनल इम्यूनिटीज मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि उसमें क्या क्या आता है पार्क्स आते हैं प्ले आते हैं तो ये सब चीजें भी होना चाहिए अदरवाइज वॉट विल हैपन अनहेल्दी लिविंग कंडीशन विल ऑकर देन लैक ऑफ एसेंशियल इम्यूनिटीज लाइक इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज अगर हम पहले से प्रॉपर जैसे स्मार्ट सिटी का आपने कंसेप्ट सुना होगा स्मार्ट सिटी में क्या होता है प्रॉपर इम्यूनिटीज वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है इलेक्ट्रिसिटी कम से कम दाम में आपको दी जाती है प्रॉपर वाटर सप्लाई सिस्टम्स वहाँ पर एस्टेब्लिश किए जाते हैं नॉट ओनली फॉर द ड्रिंकिंग बट ऑल्सो फॉर दी कॉमन यूज वहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है ड्रेनेज फैसिलिटी प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट आगे चल के जो गंदगी होती है वो अवॉइड हो सकती है और हाइजीनिक कंडीशन हमारी टाउन की होंगी तो ये सब चीज़ें ना हो इसलिए हमको टाउन प्लानिंग करना है दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग देन नॉइजी एटमोस्फियर डिस्टर्बिंग द पीस ऑफ सिटी ड बहुत सारी जगह पर नो no हॉर्न आपने साइन देखा होगा यहाँ पर या कहीं पर इंडस्ट्रीज बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेंगी या ऐसा कोई प्रोडक्शन होगा जिसमें ज़्यादा नॉइज पॉल्यूशन होना हो सकता है ट्रैफिक कंजेशन की वजह से भी नॉइज पॉल्यूशन हो सकता है तो ये सारे चीज़ें कब होंगी इफ़ यू आर नॉट नॉट डूइंग द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द टाउन तो ये सब चीज़ें ये सब प्रॉब्लम्स उसमें हो सकते हैं देन अनकंट्रोल्ड डेवलपमेंट ऑफ द टाउन होगा क्या मान लो ये आपने जो बेल्ट है यहाँ पर जो आपका ड्राइंग में बेल्ट दिख रहा है दिस इज द लास्ट बेल्ट दैट यू हैव मीन्स दिस इज द आउटर बेल्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड अबोव आफ्टर दैट मीनस इसके बाद आपको डेवलपमेंट अलाउड नहीं है तो ये आप कब डिसाइड कर पाओगे जब आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो यू आर मेंशनिंग इट इन प्रॉपर गेजेट और आप इसमें मेंशन करके बताते हो कि इसके बाहर अगर आप जाते हो तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंशियल जोन और ये आपको डेवलपमेंट के लिए नहीं है बट यही अगर आप टाउन प्लानिंग नहीं करते हो तो चांसेस व्हाट विल बी व्हाट विल बी हैपनिंग पर भी कोई डेवलपमेंट हो सकता है जो कि कंट्रोल करना मुश्किल है सो दैट दैट इज नोन एज अनकंट्रोल डेवलपमेंट ऑफ द टाउन कहीं पर भी कोई भी डिरेक्शन में कोई भी पॉसिबल डिरेक्शन में डेवलपमेंट टाउन का हो सकता है एंड द लास्ट वन अनहेल्दी लिविंग कंडीशन अभी मैंने ऊपर ही बताया कि अगर प्रॉपर आप इम्यूनिटीज नहीं प्रोवाइड कर रहे हो प्रॉपर फैसिलिटीज वाटर सप्लाई स्कीम्स ड्रेनेज सिस्टम्स ये सब चीजें नहीं दे रहे हो तो अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन अनहेल्दी लिविंग कंडीशन तो ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो था हमारा जिसमें हमने क्या देखा इंपॉर्टेंस ऑफ टाउन प्लानिंग नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक्स आने वाले हैं इफ यू लाइक दिस वीडियो सीरीज ऑन दी लेक्चर्स फॉर स्पेशली फॉर असिस्टेंट टाउन प्लानर एग्जाम तो प्लीज यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर आल्सो थैंक यू सो मच